दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर या बीपी कम हो जाने पर हम लोगों को चक्कर आता है तो हम बोलते हैं क्या कि भैया नमक पानी पिला दो या फिर ओआरएस पिला दो तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आज के वीडियो हम यही समझने वाले हैं कि कैसे नमक पानी या फिर ओआरएस पिलाने से बीपी बढ़ता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू मेड फार्मेसी, दिस इज़ राकेश। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि नमक में बेसिकली NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। तो जब भी नमक दिया जाता है तो हमारे बॉडी का जो फ्लूइड होता है, बॉडी के अंदर वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मीन्स बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा होल्ड हो जाता है। इससे क्या होगा कि वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा जब हमारे शरीर में, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो कुछ मात्रा में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है नमक खिलाने से। और जिन पर्सन का बीपी लो रहता है तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि डाइट में थोड़ा नमक बढ़ाओ ताकि बॉडी को वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़े शरीर में, जिससे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाए। यही रीज़न होता है कि बीपी लो होने पर नमक पानी, ORS या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर देते हैं हम पेशेंट को, जिससे ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि नमक खिलाने से कैसे बीपी नॉर्मल होता है या फिर बढ़ता है।